वेलकम टू स्टडी चैनल मेरा नाम है मोहम्मद कैसर कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जेम पोर्टल के माध्यम से और निविदा प्रक्रिया संपन्न करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त यहाँ पर जारी किया गया है तो दोस्तों काफ़ी समय से राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की मांग हो रही थी माध्यमिक में भी दोस्तों को पता ही है कि यूपी बोर्ड के जो विद्यालय हैं वहाँ पर कंप्यूटर विषय है, है तो लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है टी में वहीं पर बात करें तो एल्टी ग्रेड तो की जो पिछली भर्ती थी दो हज़ार में उसमें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हुई थी राजकीय विद्यालयों के लिए लेकिन वो पर्याप्त नहीं था उसमें बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे जिसे अग्रणित किया गया था तो नई भर्ती की मांग की जा रही थी और इसके संबंध में कुछ समय पहले डेटा भी मांगा गया था तो इस संबंध में दोस्तों जानकारी निकल कर आ गई है लेकिन जो भर्ती हो रही है ये संविदा पर हो रही है और इसको लेकर छात्र नाराज हैं फिलहाल इसमें तीस हजार रुपए की सैलरी है सारी चीज मैं आपको बताऊंगा आगे योग्यता वगैरह क्या इसमें रखा गया है ये सभी अधिकारी हैं जिन्होंने ये सारे फैसले किए हैं आप देख सकते हैं और इसमें आपको देखने को मिल जाएगी जो सैलरी है वो समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा दस माह हेतु तीस हजार रुपये प्रति माह की सैलरी रखी गई है तो ये अच्छी चीज है और दस माह का सेवा शुल्क और जीएसटी सहित धनराशि का भुगतान किया जाना है तो जो छात्र इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर भर्ती देख सकता है फिलहाल योग्यता हम लोग देखते हैं कंप्यूटर शिक्षक की सहायक अध्यापक तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि यदि आपने बी ई या बी टेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं बी एड भी चाहिए होगा ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कंप्यूटर शिक्षक के लिए बी एड चाहिए या नहीं चाहिए तो बी एड मांगा जाएगा ये आपको समझना होगा तो बी ई या बी टेक प्लस बी एड कंप्यूटर विज्ञान में यदि आपका स्नातक है बी एस सी वगैरह है कंप्यूटर साइंस है तो भी आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर अप्लीकेशन में भी विज्ञान स्नातक एलिजिबल है कंप्यूटर अप्लीकेशन में स्नातक या फिर एन आई एल आई टी से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि और यहाँ पर देखिए बी एड तो ये एलिजिबिलिटी यदि आपके पास है तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं तो यदि आपको ये पी डी एफ चाहिए आपको पढ़ना है तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर दूँगा आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं हालाँकि ये परमानेंट भर्ती निकलनी चाहिए यू पी पी एस सी के जरिए राजकीय यानी एल टी ग्रेड में आप भर्ती करिए और पीजीटी पीजीटी में भी कंप्यूटर शिक्षकों की परमानेंट भर्ती की आवश्यकता है इस तरीके से काम चलाऊ भर्ती निकालने से काम नहीं बनने वाला है आयु सीमा इसमें अठारह से लेकर चालीस साल है बाकी आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किन किन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद स्वीकृत हुए हैं कहां पर आवश्यकता है वो भी यहां पर डेटा है तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग